हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से जीएसटीआर 1 की रिटर्न या फिर जीएसटीआर 3 भी रिटर्न को एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करते हैं ऑनलाइन अपलोड करने के लिए, तो उसके दौरान हमारे पास आने वाली ये अनसर्टेन ट्रांजेक्शन की जो एरर है, इन सभी एरर को हम किस प्रकार से रिमूव करेंगे। तो यानी कि हम सबको पता है कि जब भी हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जीएसटीआर 1 या फिर जीएसटीआर 3 भी की रिटर्न अपलोड करते हैं तो ये ट्रांजेक्शन हमारे पास में जीरो रहनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल एरर फ्री हमारी रिटर्न है जो तैयार होनी चाहिए। तो जैसा अभी आप देख सकते हो, अभी हमारी स्क्रीन पे ये 12 हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब जब हम जीएसटीआर 1 रिटर्न तैयार कर रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर हमें ये इस बात का संकेत दे रहा है कि आपने 12 टाइप की कुछ गलतियाँ करी है। किस गलतियों को सबसे पहले आपको सुधारना होगा, तो अब ये गलतियाँ किस प्रकार आ सकती है, इन गलतियों को हम किस प्रकार से रिमूव करेंगे, ये गलतियाँ आपकी वाउचर एंट्री पास करते वक्त भी हो सकती है, लेज़र क्रिएट करते वक्त भी हो सकती है, स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त भी हो सकती है, कोई जीएसटी नंबर का भी इश्यू हो सकता है, यानी कि कुछ भी एरर हो सकती है। तो सबसे पहले हमें इन एरर को रिमूव करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे भी अगर हमारे से कोई मिस्टेक हो गई है किसी भी टाइप से तो हम उसको किस प्रकार से ढूंढेंगे और उसका सोल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है विशेषकर एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफ़ी नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों, हम सबको पता है भी जब भी हम जीएसटीआर 1 की रिटर्न अपलोड करते हैं तो उसके अंदर हमारा सेल का रिकॉर्ड डिस्प्ले होता है। तो अब आप देख सकते हो भी मैंने यहाँ पे पूरे ईयर्स का रिकॉर्ड ओपन कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर सेल से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये अनसर्टेन ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू है 12, ये आपको जरूर दिखाई दे रही है। अब ऐसा नहीं है भी हमने कोई सेल की कोई एंट्री नहीं करी, हम एक बार सेल वाउचर को भी देख लेते हैं, सभी सेल वाउचर को ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास कुछ 12 इनवॉइस है सेल के, लेकिन जीएसटीआर 1 के अंदर एक भी रिकॉर्ड हमें शो नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमें रिकॉर्ड को शो कराने के लिए जितने भी हमारे पास अनसर्टेन ट्रांजेक्शन जो आ रही है ना, उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो उन सबको हटाने के लिए हमें क्या करेंगे, जो हमारे पास एरर आ रही है उसके ऊपर हम जाके एंटर प्रेस करेंगे। तो हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये एरर डिस्प्ले करेगा भी आपका एरर आने का कारण क्या, लिस्ट दिखाई देगी आपको। तो सबसे पहले आपको क्या कर रहा है भी UOM नॉट मैप्ड यूनिट क्वांटिटी कोड, यानी कि आपने जो भी यूनिट क्रिएट करी है उस यूनिट के अंदर आपने यूनिट क्वांटिटी कोड है जो नहीं दिया। तो जैसे हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे, ये कह रहा ना देखो 11, हम इंटर प्रेस करेंगे। अब इंटर प्रेस करने के दौरान हमारे को क्या कर रहा है कि आपने कोई ऐसी स्टॉक आइटम बेची थी जो जिसकी यूनिट आपने पीस में सेलेक्ट करी थी और उसका आपने यहाँ पर यूपीसी कोड है जो सेलेक्ट नहीं किया भी, ये किस कोड का प्रोडक्ट आपने सेल किया है। तो अगर हमारे ये पीसीस के अंदर है तो हम इसको यहाँ पर पीसीस के अंदर इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वापस हम बैक चलते हैं। तो अब आप देख सकते हो एक बार हम जाएँ तो अब हमारी जो एरर 12 थी अब वो घट के 6 हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हो रिकॉर्ड भी हमें कुछ यहाँ पर दिखाई देने लग गया, लेकिन प्रॉपर रिकॉर्ड अभी भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि 6 एरर अभी भी आ रही है। वापस इसी पे हम इंटर प्रेस करेंगे। अब इंटर प्रेस करने के बाद आप देख रहे हो भी 6 एरर जो आ रही है, एक एरर अलग टाइप की है और 5 एरर अलग टाइप की है। अब इसको हम देखते हैं यहाँ पर भी, पहला आपका कह रहा है भी टैक्स रेट और जो टैक्स टाइप है वो पूरा स्पेसिफाइड नहीं हो रहा है। हम इस पर इंटर प्रेस करेंगे, तो जैसे हम इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो ये कह रहा है भी आपने कोई 12% की कोई सेल करी थी और उसका जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो आपने वहाँ पर सही तरीके से सेलेक्ट नहीं किया, तो आपकी वो सेल किस टाइप की सेल है। तो अगर इस टाइप के अगर हम सेल पे इंटर प्रेस करते हैं, जैसे कि आप कह रहे भी ये सेल टैक्सेबल है, तो या फिर इंटरस्टेट टैक्सेबल भी हो सकती है, लोकल की सेल भी हो सकती है, तो आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा किसके दौरान, ये जो आपने 10 नंबर सेल वाउचर
पास किए उसके ऊपर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेल का 10 नंबर वाउचर हम ढूंढते हैं। डे बुक पे चले जाएंगे, F4 करके यहाँ से हम केवल सेल वाउचर को ले लेंगे और इसमें से हम 10 नंबर वाउचर ही आ जाएगा। अब ये यहाँ पर ये कह रहा है भी आपने 10 नंबर सेल वाउचर के दौरान ये एंट्री पास करी थी केवल सेल की। अब इस सेल के दौरान आपने सेल टैक्सेबल कर दिया, CGST ले लिया, SGST ले लिया, इंटरप्रेस करते हुए आपने पास कर दिया, लेकिन ये यहाँ पर वार्निंग आई थी। अब ये वार्निंग का क्या कह रहा है, विद टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच दी वैल्यू कैलकुलेटेड, यानी कि जो वैल्यू हमारे टैक्स की कैलकुलेट होनी चाहिए थी वो वैल्यू यहाँ पर आ नहीं रही है। अब वैल्यू इसके हिसाब से कितनी आ रही है, ये कह रहा है विद कंट्रोल ओ आप इसको एनालिसिस करो। अब एनालिसिस अगर आपको लगता भी बिल्कुल सही है तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ से ओवरराइड हम इसको करेंगे, यानी कि एक्सेप्ट विदाउट किसी भी टाइप की एरर को। तो हम वापस डिस्प्ले पे जाके इसको चेक कर लेते हैं, GST रिटर्न पे हम जाएंगे, अभी भी 6 एरर आ रही है, तो यानी कि अभी भी वो एरर हमारी वहाँ पर हटी नहीं है। तो इस वाउचर को वापस हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। डिस्प्ले पर हम चलते हैं, F4 करके सेल वाउचर को निकाल लेते हैं और 10 नंबर वाउचर को ओपन करते हैं। अब ये जो सेल वाउचर है, तो अब ये कह रहा है इस टाइप के अगर आपने ये केस सेल करी है तो इस केस सेल के दौरान आपका जो वैल्यू है सेल की 12% की, तो अब इस हिसाब से आपका जो सेल वैल्यू है वो 12% टैक्स आपका बढ़ना चाहिए। तो अब बाकी के अगर हम सेल की बात करें तो सभी के अंदर हमने स्टॉक आइटम पास करी है, तो अब इस वाउचर के दौरान हमने कोई स्टॉक आइटम का नाम यहाँ पर हमने नहीं लिखा, तो इसके दौरान हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज वाउचर मोड करना पड़ेगा, आइटम इनवॉइस करना पड़ेगा, और अब यहाँ पर आपको वो स्टॉक आइटम का सेल आउट आपको दिखाना पड़ेगा जो आपकी सेल थी, यानी कि आपने डायरेक्ट सीधा 12% की वैल्यू आपने वहाँ पर प्रेस कर दी, लेकिन उसके दौरान आपने किया क्या, कोई स्टॉक आइटम को सिलेक्ट नहीं किया। और एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब वापस हम जाके देखते हैं भी ये एरर हमारी रिमूव हुई है या नहीं हुई, वापस GST रिटर्न रिपोर्ट पर और ओपन करेंगे। अब देख सकते हो अब हमारी जो एरर है वो 5 एरर रह चुकी है, पहले 6 थी, 1 एरर हमने सही कर दी, तो अब 5 रहेगी। 5 पे हम फिर वापस इंटरप्रेस करेंगे, तो अब ये 5 जिससे हम इंटरप्रेस करेंगे, तो अब ये क्या कह रहे हैं, एरर का आने का कारण क्या है, भी GST नंबर इज नॉट या आपका इनवैलिड है, GST नंबर आपने सही नहीं लिखा। किसका नहीं लिखा, ये आपका कस्टमर है कोई बी नाम से, इस बी नाम का कस्टमर का GST नंबर आपने प्रोवाइड नहीं कराया। तो वापस हम चलते हैं एल्टर पर, एल्टर पर हम जाएंगे, लेजर पर हम जाएंगे और बी को सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखो लेजर का आने का रीज़न क्या रहा है, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं भी हमारा ये कस्टमर है बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम रजिस्ट्रेशन डिटेल टाइप की बात करें तो हम यहाँ तो कह रहे हैं भी रेगुलर है, यानी कि ये एक रजिस्टर्ड पार्टी है, लेकिन यहाँ पर हमने इसका GST नंबर है जो प्रोवाइड ही नहीं करवाया। तो अगर आपके पास ये रेगुलर ईयर यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको यहाँ पर GST नंबर लिखना पड़ेगा उसको प्रॉपर सही। अगर ये नॉर्मल कस्टमर है इसके पास GST नंबर नहीं है तो उसके दौरान आपको अनरजिस्टर्ड यहाँ से इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये भी इसके हिसाब से हमने सही कर दी। वापस हम जाके चेक करते हैं, डिस्प्ले पर हम जाएंगे, ट्रेजरी रिपोर्ट पे GST R1 ओपन करेंगे। तो अब आप देख सकते हो भी जो टोटल आपकी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन है वो 0 हो चुकी है। तो अब इसका मतलब अब आपकी ये जो GST R1 की रिटर्न है वो बिल्कुल सही तैयार हुई है। और उसके लिए हम वापस एक बार GST R3B को भी चेक करेंगे कि क्या 3B हमारी प्रॉपर सही तैयार है या नहीं है। तो अगर हम GST R3B की बात करें तो यहाँ पर आपको कह रहा है भी अभी 3B के अंदर आपकी 2 एरर अभी भी आ रही है। तो अगर हम इस 2 पे अगर आके एंटर प्रेस करेंगे और इस पे आएंगे तो ये कह रहा भी आपका जो टैक्स रेट है वो आपने डिसाइड नहीं किया। तो अब ये किसके अंदर दिखा रहे, इस डिस्काउंट पेड के, यानी कि आपने कोई ये लेजर क्रिएट किया है और इस लेजर की आपने क्रिएट करने के बाद जो एंट्री आपने पास करी है उसके दौरान आपने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर कोई भी डाटा पास नहीं किया, मतलब नेचुरल ट्रांजेक्शन में GST की डिटेल आपने नहीं दी। तो हम एक बार डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन देखें, हमने डिस्काउंट पेड किया है लेकिन टैक्स क्लासिफिकेशन की डिटेल हमने खाली छोड़ दी। तो अब इसका मतलब भी ये लेजर हमने जब क्रिएट किया था
तो इस लेजर पर हमको पता था भी हमने कोई जीएसटी का ट्रीटमेंट इसके साथ नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमने जीएसटी एप्लीकेबल के दौरान इसको एप्लीकेबल रख दिया। तो अगर आपका कोई ऐसा लेजर आपने क्रिएट कर दिया हो जिसकी ट्रांजेक्शन भी आपने पास करी हो लेकिन जीएसटी का ट्रीटमेंट उस लेजर से संबंधित कहीं नहीं हो, तो उसको आपको नॉट एप्लीकेबल रखना पड़ेगा। एंटर प्रेस करेंगे। अब वापिस हम जीएसटीआर 1 और 3B को दोबारा चेक करते हैं। अब जीएसटीआर 1 के अंदर तो आप देख सकते हो भी किसी भी टाइप की एरर नहीं है, जीरो है। और 3B की अगर हम बात करें, 3B के अंदर हम डाटा चेक कर लेते हैं और 3B की जो रिकॉर्ड है वो भी हमारे पास जीरो है। तो यानी कि हम इस टाइप का अगर आपके पास एरर आता है तो आपको पर्टिकुलर उस एरर के ऊपर जाके आपको पर्टिकुलर उसका रीजन चेक करना है भी रीजन आपका क्या शो कर रहा है टेली सॉफ्टवेयर। तो वो उन सभी एरर को आपको एक एक करके रिमूव करेंगे तो हमारी रिटर्न प्रॉपर सही जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई, नॉलेजेबल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना।